इंदौर हाई कोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश नगरी प्रशासन विभाग कलेक्टर द्वारा और निगम कमिश्नर से 6 सप्ताह में जवाब मांगा। दरअसल नगर निगम के शहर विभिन्न क्षेत्रों में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत सड़कों का निर्माण कर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रहा है। वर्तमान में कई जगह कार्य कर रहा है जो नियत समय सीमा निकल जाने के बावजूद लंबित है। पूरे शहर की सड़कें खुदी पड़ी हैं। जयरामपुर से गौरखकुंड में तोड़फोड़ कर कार्य शुरू किया गया, जबकि कनाड़िया रोड समेत कई कार्य वर्षों से लंबित है। इसी के खिलाफ याचिकाकर्ता महेश गर्ग की ओर से एडवोकेट मनीष यादव ने तर्क रखे, जब पुराने ही कार्य नियत समय सीमा में पूरे नहीं किए जा सके हैं, जिसमें कई घरों में तोड़फोड़ की गई थी, इसी के वजह से ट्रैफिक की भी समस्या का सामना शहर को करना पड़ रहा है। जगह जगह खुदा होने से जगह जगह जाम की समस्या से जूझना पड़ता है। जयरामपुर से गौरखकुंड की सड़क बनाने के पूर्व भी तोड़फोड़ में जल्दी दिखाई गई, लेकिन काम अधूरा है। वहाँ फुटपाथ भी है, 8 फुट बनाई जा रही है जो कि अनुचित है। जहां पूर्व में शहर की फुटपाथों को छोटा किया गया है क्योंकि फुटपाथों पर अतिक्रमण और पार्किंग हो रहे थे, तो फिर 8 फीट फुटपाथ क्यों बनाई जा रही है? इन तर्कों से सहमत होते हैं प्रशासनिक न्यायमूर्ति एसी शर्मा और न्यायमूर्ति शैलेंद्र शुक्ला की बेंच ने सरकार से 6 सप्ताह में जवाब मांगा है। विगत दिनों से कुछ वर्षों से देखा जा रहा है कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर में विभिन्न स्थानों पर तोड़फोड़ करके लोगों के आशियाने उजाड़ करके सड़क चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा है। कहीं सीवरेज की खुदाई पड़ी हुई है, पर देखने में यह आ रहा है कि एक जगह का कार्य पूरा नहीं होता और नगर निगम दूसरी जगह का कार्य शुरू कर देती है, जबकि अभी तक एक भी जगह का कार्य समय सीमा में नियत समय सीमा में पूरा नहीं हुआ है, जिसको कि विभिन्न अलग अलग माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और पेपर में लगातार छपता रहा है कि यहाँ गड्ढे खुदे होने की वजह से सड़कों में जाम लग रहा है, दुर्घटनाएं हो रही है। तो उसी मुद्दे को उठा करके हमने आज एक जनहित याचिका माननीय न्यायालय के समक्ष दायर की, जिसमें आज सुनवाई हुई। हमारी ओर से ये तर्क रखा गया कि जब नगर निगम एक जगह का प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर पा रही तो दूसरी जगह का क्यों शुरू कर देती, जबकि हमने सूचना के अधिकार में जानकारी मांगी तो उसमें यह स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि 100 जगह का कार्य 100 दिन में पूरा होना था, जिसको आज साल भर से अधिक हो चुका है। कनाडिया रोड वाला जो इलाका है वहां पर मस्जिद और मंदिर को तोड़े जाने के आदेश करीब 2 साल पहले हाईकोर्ट दे चुकी है कि इनको तोड़ करके चौड़ीकरण का कार्य पूरा किया जाए, वो आज तक पूरा नहीं किया। जयरामपुर और गोराकुंड का खोल दिया काम, और उसमें सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि फुटपाथ जो है वो 8 फीट का बनाया जा रहा है, जबकि पूरी तरह से अनुचित है। जो फुटपाथ शहर में पहले 6 फीट या 8 फीट के थे उनको छोटा करके 2.5 फीट का किया गया, क्योंकि देखने में ये आ रहा था कि उन पर पार्किंग हो रही थी, उन पर दुकान लगाने वाले लोग बैठ रहे थे। तो इसी तरह हमने मांगों को लेकर के आज जो याचिका दायर की उसमें कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अगली सुनवाई दिसंबर के लास्ट वीक या जनवरी 1st माह में होने की संभावना है।